ये है रीता परमार। इनकी उम्र 29 साल है और ये सीहोर जिले के ग्राम हीरापुर की निवासी हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं और बड़े सपने देखती हैं। मन में कुछ ऐसा करने का संकल्प है कि गांव में रहकर ही खुद को मिसाल बनाए और कुछ ऐसा काम करे जिससे गांव के लोगों को भी लाभ मिले। अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए रीता परमार ने उद्यमिता का रास्ता चुना और उनके सपनों को पंख मिले प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस योजना PMFME से। गांव-गांव में खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों का आज उदाहरण बन गई है रीता परमार। रीता परमार ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से PMFME योजना के तहत डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया। वे विभाग में गए और 25 लाख रुपए की लागत से यूनिट स्थापित करने की अपनी कार्य योजना बताई। विभाग ने उनकी सक्रियता और उनके लगन को देखते हुए पहले उन्हें सफल मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट की विजिट, फिर PMFME योजना में DRP के माध्यम से उनका आवेदन कराया। इसके बाद रीता को बैंक से 25 लाख का ऋण दिलाया। इसके बाद रीता ने अपने गांव में ही यूनिट स्थापित की और उच्च क्वालिटी की मशीनें लगाकर तय समय सीमा में यूनिट को प्रारंभ किया। उनके यूनिट में घी, पनीर, मावा और श्रीखंड बनते हैं। ये प्रोडक्ट उनके गांव के साथ साथ सीहोर और आसपास के क्षेत्रों में बिकते हैं। गांव में विभिन्न अवसरों के साथ साथ त्योहारी सीजन में उनके यूनिट में बन रहे घी, पनीर, मावा और श्रीखंड की अच्छी मांग रहती है। हमारे द्वारा PMFME योजना के अंतर्गत 25 लाख की डेयरी प्रोसेसिंग हमारे ही गांव में लगाई है, जिससे हम घी, पनीर, मावा, श्रीखंड, मिठाई आदि बनाते हैं। इसके अंतर्गत हमें हमारे काम में मतलब बढ़ोतरी बहुत हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे कि सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ करना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि वो यहाँ पे जुड़े आए तो वो भी कर सकती हैं। रीता आसपास के 150 किसानों से कच्चा दूध लेकर अपनी यूनिट का संचालन कर रही हैं। उनके यूनिट में हर महीने करीब 15,000 लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो रही है। उन्होंने 8 लोगों को रोजगार दिया है। उनकी सालाना आय 3 लाख तक पहुँच गई है। रीता आज एक सफल के तौर पर अपने पैरों पर खड़ी है। उनके परिवार और आसपास के किसानों को उनकी इस पहल का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में रीता जैसी अनेक बहनें PMFME योजना का लाभ लेकर बढ़ चली अपने सुनहरे भविष्य की ओर।